हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स, मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 13 जून 2019 और यह हमारी 174वीं क्लास है। 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। हाल ही में कौन सा राज्य है जहां सभी खेलों के नाम और नियम संस्कृत में बोले जाएंगे? इसका सही ऑप्शन है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हाल ही में ऐसा राज्य बना है जहां पर सभी खेलों के नियम और नाम जो है वह संस्कृत में बोले जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में संस्कृत मंडलम तैयार कर शब्दकोश तैयार किया जा रहा है, जहां क्रिकेट को कुंडा क्रीड़ा, जोरदार चौकी को सिद्ध चतुर्षम और आउट को नरगत कहा जाएगा। वहीं फुटबॉल को पाद कंदुकम और बैडमिंटन को खड़क क्षेत्रम, कीड़ा और लाइका मड़ाई को बाल मिल पल के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों वहीं कबड्डी को रुद्दोयते वाद्यते, खो खो को खो खो गति प्रतिघात, कुश्ती को मलय युद्धम, इस सभी के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों अब बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो आपको मैप में छत्तीसगढ़ के बारे में बता दें। मैप में ये जगह छत्तीसगढ़ को दर्शाती है। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 में की गई थी। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। तो इतना आपको छत्तीसगढ़ के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा? इसका सही ऑप्शन है वीरेंद्र खटीक। वीरेंद्र खटीक को लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। दोस्तों ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए भी बन जाता है क्योंकि 17वीं लोकसभा के लिए ये मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के भाजपा सांसद हैं और इन्हें अब प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से 26 जुलाई तक चलेगा। यह बजट सत्र होगा। 19 जून को लोकसभा अध्यक्ष इन्हें चुना जाएगा। तो आपको याद रखना है, हाल ही में प्रोटेम स्पीकर बनेंगे वीरेंद्र खटीक, जो मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे अंतरिम सीवीसी बनाया गया है? जिसका सही ऑप्शन है शरद कुमार। हाल ही में शरद कुमार को अंतरिम सीवीसी बनाया गया है। दोस्तों विजिलेंस कमिश्नर शरद कुमार को अंतरिम सीवीसी भी बनाया गया है। वर्तमान में सीवीसी के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है केवी चौधरी और विजिलेंस कमिश्नर टीएम भसीन का कार्यकाल बीते 2 दिन में समाप्त हुआ है। इसकी जगह अंतरिम सीवीसी बनाया गया है शरद कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की आयु सीमा बढ़ाकर कितनी की गई है? इसका सही ऑप्शन है 35 वर्ष। हाल ही में जो मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए आयु सीमा बढ़ाई गई है वह 35 वर्ष है। दोस्तों याद रखने वाली बात यह है कि जो दूसरे राज्यों के युवा हैं जो 35 वर्ष की उम्र तक नौकरी के लिए अपनी पात्रता दे सकते हैं मध्य प्रदेश में, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है कि अब दूसरे राज्यों के युवा 35 साल तक मध्य प्रदेश में नौकरी के लिए अब अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसका एक जो पॉइंट माइनस पॉइंट है वह है मध्य प्रदेश में जो जनरल जाति के या जनरल कास्ट के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए आयु सीमा घटा दी गई है। यानी पहले यह आयु सीमा 40 वर्ष थी जो अब घटाकर 35 वर्ष की गई है। यानी मध्य प्रदेश के प्रार्थियों के लिए भी 35 वर्ष आयु की गई है और मध्य प्रदेश के बाहर से जो यानी अन्य राज्यों से जो भी अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे उनके लिए भी आयु सीमा 35 वर्ष कर दी गई है। तो दोस्तों इससे मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा नुकसान जरूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नृपेंद्र मिश्रा को किस पद के लिए चुना गया है? इसका सही ऑप्शन है प्रधान सचिव। हाल ही में नृपेंद्र मिश्रा को प्रधान सचिव पद के लिए चुना गया है। दोस्तों रिटायर्ड आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है।
दोस्तों इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। वहीं रिटायर्ड अधिकारी डॉक्टर पी के मिश्रा को एक बार फिर प्रधानमंत्री का अतिरिक्त प्रधान नियुक्त किया गया है। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं, नृपेंद्र मिश्रा प्रधान सचिव और अतिरिक्त प्रधान सचिव हैं पी के मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे वैल्यूबल ब्रांड कौन सा बना है? तो इसका सही ऑप्शन है अमेजन। हाल ही में अमेजन दुनिया का सबसे वैल्यूबल ब्रांड बना है। दोस्तों आपको बता दें, अमेजन ने गूगल और एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे वैल्यूबल ब्रांड बना है। एक साल में 52% बढ़ाकर 21.9 लाख करोड़ रुपए ब्रांड वैल्यू हो गई है अमेजन की। दोस्तों अगर टॉप 5 में बात करें तो सभी ब्रांड अमेरिका के हैं, और वो ब्रांड के नाम है आपको बता दें तो पहला है अमेजन, दूसरे नंबर पर है एप्पल, तीसरे नंबर पर है गूगल, चौथे नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट और पांचवें नंबर पर है वीजा। ये सभी ब्रांड वैल्यू में पांचों स्थान पर मौजूद हैं। दोस्तों अब बात आई है अमेजन की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट अमेजन के बारे में बता दें। अमेजोन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस और इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 यानी 5 जुलाई 1994 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन यूएस में है। तो आपको इतना अमेजन के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश सहकारी दुग्ध संघ का सीईओ चुना गया है? जिसका सही ऑप्शन है शमीम उद्दीन। हाल ही में शमीम उद्दीन को मध्य प्रदेश सहकारी दुग्ध संघ का सीईओ चुना गया है। दोस्तों स्क्रीन पर आपको कुछ और नाम दिख रहे होंगे, इनके बारे में भी बता दें तो ये सभी आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं। मनोज खत्री, इन्हें खादी ग्राम उद्योग बोर्ड में प्रबंध संचालक नियुक्त किया गया है। उमेश कुमार, इन्हें हाल ही में नगरीय प्रशासन और आवास का उप सचिव नियुक्त किया गया है। और सेलवाला मार्टिन, इन्हें हाल ही में महिला और बाल विकास का उप सचिव नियुक्त किया गया है। दोस्तों मध्य प्रदेश में हाल ही में हर हफ्ते कम से कम 20 या 25 आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं, जिसकी वजह से पर डे कोई ना कोई आईएएस अधिकारी का स्थान परिवर्तित और ट्रांसफर किया जा रहा है। वहीं इस क्वेश्चन का आंसर है शमीम उद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश कौशल विकास का संचालक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है धनराजू एस। हाल ही में धनराजू एस को मध्य प्रदेश में कौशल विकास का संचालक नियुक्त किया गया है। दोस्तों स्क्रीन पर कुछ और नाम आपको दिख रहे होंगे, उनके बारे में भी बता दें तो सत्येंद्र सिंह को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उप सचिव बनाया गया है। गणेश शंकर मिश्रा को इन्हें जेल में उप सचिव बनाया गया है। तो इन तीनों के बारे में भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत फीफा रैंकिंग में कितने नंबर पर पहुंचा है? तो इसका सही ऑप्शन है 100वें। हाल ही में भारत फीफा रैंकिंग में 100वें नंबर पर पहुंचा है। दोस्तों हाल ही में भारत ने थाईलैंड को हराया है, थाईलैंड को भारत ने 1-0 से हराया है। तो इसी के कारण भारत को एक स्थान का लाभ हुआ है और भारत 101वें स्थान से 100वें स्थान पर पहुंच गई है। दोस्तों आपको बता दें, भारत पिछले साल जुलाई में स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन की कोचिंग में 96वें नंबर पर पहुंची थी, और अब जो 21 साल बाद पहुंची थी, और अब हाल ही में जो पहुंची है उसकी रैंकिंग है 100वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण की वजह से देश में जीवन प्रत्याशा कितने प्रतिशत गिरी है? जिसका सही ऑप्शन है 2.6 साल। हाल ही में 2.6 साल जीवन प्रत्याशा वायु प्रदूषण के कारण हमारे देश में गिरी है। दोस्तों सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने एक अध्ययन के आधार पर यह खुलासा किया है। सीएसआई के अनुसार घर और घर के बाहर दोनों जगह वायु प्रदूषण जानलेवा हो गया है। भारत वायु प्रदूषण में स्वास्थ्य संबंधी सभी खतरों में मौत का अब तीसरा सबसे बड़ा कारण बन गया है। दोस्तों भारत समेत दक्षिण एशियाई लोगों की जीवन प्रत्याशा 2.6 कम
कम हो गई है वायु प्रदूषण की वजह से। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, हमें वायु प्रदूषण होने से रोकना चाहिए दोस्तों, साथ ही हमें पेड़ लगाने चाहिए और जो भी जल प्रदूषण वायु प्रदूषण हो रहा है उसे जितना हो सके कम से कम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राजनेता का निधन हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन है शिव नारायण सिंह। हाल ही में मध्य प्रदेश के राजनेता शिव नारायण सिंह का निधन हुआ है। दोस्तों चांद चौड़ासी 4 बार की विधायक और दिग्विजय सरकार में 2 बार की मंत्री रहे शिव नारायण मीणा का 68 साल की उम्र में केदारनाथ यात्रा के दौरान इनका निधन हुआ है। दोस्तों हाल ही में आई जानकारी के अनुसार दिल का दौरा पड़ने से इन्हें इनकी मृत्यु हुई है और इलाज के बावजूद भी इन्हें नहीं बचाया जा सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलवामा शहीदों के परिवारों को कौन सा राज्य नौकरी देगा? जिसका सही ऑप्शन है बिहार। पुलवामा शहीदों के परिवारों को बिहार राज्य नौकरी देगा। दोस्तों आपको बता दें बिहार राज्य पुलवामा शहीद जो हुए थे उनके परिवारजन को नौकरी देगा सरकारी। दोस्तों अब बात आई है बिहार की, तो आपको मैप में बिहार के बारे में बता दें, मैप में ये जगह बिहार को दर्शाती है। बिहार की स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई थी। गवर्नर हैं लालजी टंडन, बिहार की मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार की राजधानी है पटना। तो दोस्तों इतना आपको बिहार के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों अब बात करते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन की। तो कल का क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में कितने शहरों में मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की जाएगी? जिसका सही ऑप्शन था 6 शहरों में। 6 शहरों में जो है मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की जाएगी। वो 6 शहर थे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, गुना और छिंदवाड़ा। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। एक बार फिर उन 6 शहरों के नाम बता दें तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, गुना, ग्वालियर और छिंदवाड़ा। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी गुफाएं ग्वालियर जिले में स्थित है? दोस्तों इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, हम आपके आंसर का वेट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आपको एमपी जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही दोस्तों आप पर्यावरण को देखते हुए पेड़ अवश्य लगाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।